तत्मिन्नु सर्जो अंतिदेवा जत्रा नस तकरा जरसम तनुनाम पुत्रासो जक्ष पितरो भवन्ति मानो मध्या श्री किता दुगान्तो। डॉक्टर हनुमान दास संस्कृत देवी सहायक प्राध्यापक नान कामाचार संस्कृत महाविद्यालय महलेर मधुबनी। आज 12/7/2020 ईस्वी शास्त्रीय तिथि खंड आगे पाठ ले जा रहा हूँ भाषा विज्ञान में विषय है भाषा की उपयोगिता। छात्र एवं छात्राओं, भाषा विज्ञान है, इसका लेखक अलग अलग होता है, जैसे भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर देवेन्द्रनाथ शर्मा, तो कुछ उपयोगिता पर ले जा रहे हैं। सृष्टा की असीम अनुकंपा भाषा के रूप में मानवों को प्राप्त है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों, भावों, विचारों और अभिलाषाओं को सहित आवेगों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। ये भाषते अनया ऐसी भाषा, इति भाषा, इस व्यक्ति के आधार पर इसे विज्ञान के साथ जोड़ना विश्व के सारस्वतों की सर्वथा महनी अभिव्यक्ति है, जिससे हम कभी नकार नहीं सकती। निश्चय ही ज्ञान अपने विराटतम रूप में अखंड है, जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए पृथक पृथक शास्त्रों, ज्ञानों और विज्ञानों में बांट रखा है। इस तात्विक भी हमारे सामने आधार पर सभी ज्ञान विज्ञान एक दूसरे से संपृक्त, एक दूसरे से पूरक अथवा अन्योन्याश्रयी भाव से संबद्ध है। भर्तरी के शब्दों में ज्ञानेनहीना पशु भी समाना ब्रह्म की सत्यता से किसी भी हालत में न्यून नहीं, फिर भी भाषा जो हमें इस धरातल पर अन्यतम प्राणी के रूप में सिद्ध करता है, वह हमारे लिए आवश्यक उपयोगी है। लाभप्रद हो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, अतः निश्चय ही भाषा की भिन्न भिन्न उपयोगिता हमारे लिए एक बहुत बड़ी आवश्यक है। जैसे कि
अपनी चिर परिचिता भाषा के संबंध में जिज्ञासा की तृप्त शब्द बोध की विभिन्न प्रक्रिया को देखकर चमत्कृत होना स्वाभाविक है। जब हम शब्द ब्रह्म की महनी महिमा के संबंध में ज्ञान पिपासा से अभिभूत होते हैं तो इसकी तृप्त हमें भाषा विज्ञान के अध्ययन से ही होती है, जहाँ हम शब्दों की विभिन्न प्रवृत्ति को अनुक्रमेण जानकर संपुष्टि कर अनुभव करते हैं। इस तरह से अपनी चिरपरिचिता भाषा के संबंध में जिज्ञासा की तृप्ति के लिए यह उपयोगिता सिद्ध होता है। प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृत पर प्रभाव ये सब फिगर माना गया है। भाषा विज्ञान हमारे प्राचीन संस्कृति आचार विचार रहन सहन तथा उसके अनुसार तत्कालिक समाज में भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की विभिन्न संरक्षण का ज्ञान हमें इसके अध्ययन से मिलता रहता है। इस तरह प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृत के प्रभाव पर भाषा से उपयोगिता प्राप्त होता है। किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षीकरण जब हम ऐतिहासिक क्रम में भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार शब्द से क्रम रूपेण जाति संस्करण तथा शब्दों के विकास प्रकाश के साथ हमें तत्कालीन जाति राज्य राष्ट्र बाप संपूर्ण विश्व की मानसिक विकास का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस तरह से किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रतीकीकरण पर भाषा विज्ञान उपयोगिता में सिद्ध होता है। प्राचीन साहित्य के अर्थ उच्चारण तथा उपयोग आदि से संबद्ध समस्याओं का समाधान इसके अध्ययन की भिन्न तरह से समाज में प्रचलित विभिन्न प्रायोगिक शब्द पौराणिक एवं ऐतिहासिक शब्दों का वास्तव में बोध अर्थ ज्ञान हमें पाया जाता है और इसे भाषा विज्ञान के माध्यम से ही होता है।
पूरे विश्व के लिए एक कृत्रिम भाषा के विकास की संभावना की प्राप्ति। भारतीय परंपरा के अनुसार शब्द ब्रह्म की नित्यता अथवा प्रतीकात्मकता एक ऐसी शरण है जिसके द्वारा हम संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए नवीन भाषा की सृष्टि कर सकते हैं। तो पूरी विश्व के लिए एक कृत्रिम भाषा के विकास की संभावना की प्राप्ति से भाषा विज्ञान से संपूर्ण उपयोगिता मिल सकती है। मातृभाषा को तथा विदेशी भाषा को सीखने में संपूर्णता, सरलता और शीघ्रता भाषा विज्ञान के द्वारा शब्द बोध की प्रक्रिया सरल हो जाती है, जिससे हम विभिन्न भाषाओं को आसानी से सीखा जा सकता है। इस तरह से यह भाषा विज्ञान में सहायक सिद्ध होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद में सहायता। भाषा विज्ञान की उपयोगिता के लिए भाषा विज्ञान के द्वारा जब हम प्राचीन शब्द प्रवृत्त और ध्वनि संकेत को जान लेते हैं तो हमें एक भाषा से दूसरे भाषा के अनुवाद में सहायता मिलती है। अनुवाद करने वाली, स्वयं टाइप करने वाली टाइपराइटर तथा इसी प्रकार से अन्य मशीनें के विकास में सहायता। विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों के कारण भी इसकी उपयोगिता में बहुत सिद्ध होता है। भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की सृष्टि से आदि की दृष्टि से परिवर्तन परिवर्धन करने में सहायता। विश्व मानव की एकता में यह अचूक सिद्ध हो सकती है। अर्थों की ग्राहकता को उपयोगी बनाना भी भाषा विज्ञान की एक श्रेष्ठ उपयोगिता है। किसी भाषा के लिए लिपि उसका व्याकरण कोश तथा उसे पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने में सहायता। प्राचीन शब्द प्रवृत्त के ज्ञान से भविष्य बालकों को सुबोध सर्वग्राही शब्द एवं भाषागत नियमों का ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त होता है। कोश की विविधता भी इसके द्वारा ही
प्राप्त की जा सकती है। तुत लाइट, हक लाइट, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध श्रवण आदि दूर करने में सहायता। वर्णों के शुद्धोच्चारण प्रक्रिया से कुछ हद तक इन प्राकृतिक कमियों को भी दूर करने में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाज विज्ञान, दर्शन तथा इंजीनियरिंग आदि में सहायता। संपूर्ण बौद्धिक विकास भाषा पर आधारित है। उसके मूल प्रवृत्ति को जान लेने के बाद भी हम जीवन के विभिन्न मामलों में सुगमता की उपलब्धि करते हैं। इस तरह से भाषा विज्ञान की उपयोगिता में जितने भी उपर्युक्त विवरण कहे गए हैं वह सब भाषा विज्ञान की उपयोगिता में एक से एक कारण सिद्ध होता है। इस प्रकार विभिन्न भाषा विज्ञान की लोपोपकारी विभिन्न उपयोगिता को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान न केवल साहित्य के क्षेत्र में उपयोगी है अपितु आधुनिक जीवन में सभी परिवेश में इसकी उपयोगिता वांछनीय सिद्ध होता है। अब इसके बाद कुछ भाषा और विभाषा बोली। हमने देखा है कि शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है और एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न हो जाती है। इसीलिए यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली मानी जाती है, अर्थात उसकी अपनी विशेषताएं होती है जो दूसरे से भिन्न होगी। किंतु एक व्यक्ति की भी भाषा सदा एक रूप नहीं होती, विभिन्न परिस्थितियों में उसकी भाषा विभिन्न रूप धारण कर लेती है। उदाहरणार्थ परिवार में बोलते समय जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसी का परिचित लोगों से मिलते समय नहीं, जिस रूप में नौकर या दुकानदार से बातें करते हैं उसी रूप में मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं। कार्यालय में बोलने का ढंग दूसरा होता है तो सार्वजनिक भाषण में दूसरा। आनंद के अवसरों की भाषा शोकोद्गार की भाषा से भिन्न होती है। इस तरह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की भाषा परिस्थिति भेद से भिन्न भिन्न हो जाती है। फिर बातचीत भाषा और लिखित भाषा में भी भेद हो जाता है। कोई भी बोलते समय जैसी भाषा का प्रयोग करता है, लिखते समय वैसी ही भाषा का प्रयोग नहीं करता।
किंतु जहाँ भाषा वैयक्तिक दृष्टि से भेद की इतनी संभावनाएं वर्तमान हैं, वहीं सामाजिक दृष्टि से उसका नियंत्रण भी अपेक्षित है। अगर भेद पर कोई नियंत्रण न रखा जाए तो भाषा का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है, अर्थात वह सामाजिक संप्रेषण की वस्तु न होकर निरर्थक जलपन मात्र बनकर रह जाएगी। भाषा में व्यक्ति और समाज की क्रिया प्रतिक्रिया सदा चलती रहती है। व्यक्ति सदा स्वतंत्र का आग्रही होता है, वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार सारे काम करना चाहता है, किंतु दूसरी ओर उसे समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह बात हमारे प्रत्येक दैनिक व्यवहार में देखी जा सकती है। समाज में हम वैसा कोई काम नहीं करते जो सामाजिक दृष्टि वांछनीय न हो। अपने मन से इच्छा उत्पन्न होने पर भी हम उस पर अंकुश लगा सके, इसी को सामाजिक शिष्टाचार कहते हैं। सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला अभद्र समझा जाता है और समाज में निंदा का पात्र बनता है। सामाजिक दृष्टि यह बहुत बड़ा दंड है। सामाजिकता की जो भावना खान पान रहन सहन बोलचाल उठने बैठने मिलते जुलते आदि में काम करती है, वह भाषा में भी व्यक्ति भाषा में भी स्वाधीनता चाहता है, पर स्वाधीनता एक सीमा तक ही संभव है, जिससे पार कर जाने पर उसकी भाषा सामाजिक जिससे निरुपयोगी बन जाती है। यदि कोई जो चाहे वैसा चाहे बोलना शुरू कर दी तो दूसरे उसे नहीं समझ सकेंगे। थोड़ी बहुत वैयक्तिक स्वाधीनता का अवकाश भाषा में सदा रहता है, पर उसकी भी मर्यादा है। जैसे मुझे पानी चाहिए के बदले कोई कहे कि मुझे जल चाहिए तो पानी के बदले जल का प्रयोग करने की स्वाधीनता उसे है, और उससे अर्थ में कोई अंतर उपस्थित नहीं होता। किंतु पानी के लिए किसी सर्वथा नए शब्द का प्रयोग कर वह अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे मुझे लावा चाहिए कहकर हम पानी नहीं पा सकती। हमें जलवाचक किसी वैसे शब्द का ही प्रयोग करना होगा जो समाज द्वारा सूचित है। इस तरह वाक्य में शब्दों के स्थान परिवर्तन की भी बहुत छूट रहती है। जैसे यही होना भी चाहिए कहे या होना भी चाहिए, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, पर इसके अधिक बदलना अर्थ बोध में बाधा उपस्थित करेगा। इस तरह से देखा गया है कि व्यक्ति की दृष्टि से स्वाधीनता और समाज की दृष्टि से नियंत्रण, ये दो बातें मनुष्य के लिए समस्त क्रिया कलाप में वर्तमान रहती है, और उन दोनों के घात प्रतिघात से ही समाज का विकास होता है। भाषा में इन दोनों प्रवृत्तियों की केंद्र गामी और केंद्र विभागी कह सकते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति केंद्रागामी होती है और समाज की केंद्राभिगामी। व्यक्ति अपनी रुचि तथा व्यक्ति के अनुसार भाषा को अपने ढंग से व्यवहार करना चाहता है, पर समाज उसकी रुचि और शक्ति को और नियंत्रित नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि भाषा का प्रयोग
अंततः सामाजिक व्यवहार के लिए होता है। यदि यह नियंत्रण न रहे तो भाषा अबोझ बन जाएगी। केंद्रागामी प्रवृत्ति में पृथकता या दिलगाव की भावना रहती है और केंद्राभिगामी प्रवृत्ति में एक ही भाव की व्यक्ति की भाषण भंगी विभाषा का यह प्रोत्साहित करती है और समाजी की भावना भाषा को उपयोगिता में सिद्ध होता है। इस तरह से छात्र एवं छात्राओं का भाषा विज्ञान व्याकरण वालों के लिए है और यह अध्ययन की चीज है, अध्ययन करना है।